हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। सौराष्ट्र की पावन भूमि पर आया हुआ सोरठ प्रदेश में रेवताचल अर्थात गिरनार पर्वत, यहाँ नौनाथ और 84 सिद्धों का वास है। ऐसे गर्वी गिरनार की पावन भूमि पर सुविख्यात भवनाथ महादेव का मंदिर आया हुआ है, जिनके सानिध्य में यहाँ हर वर्ष छोटे कुंभ की समान महाशिवरात्रि के मेले का अनन्य महत्व है। सिंह सिद्धों संतों की पावन भूमि पर श्री दत्तात्रेय भगवान का निवास है। आदो मणिपुर नामम चंद्रकेतु पुरम स्मृतम तृतीय रिवतम नामम कल्लो पुरातन पुरम। ईसाई सन से पूर्व 6 शताब्दी यानी करीबन 1000 साल पहले संस्कृत के ज्ञानी पंडित पाणिनि ने गिरनार के लिए यह श्लोक लिखा था। पुराण शास्त्र में भी गिरनार को सिद्ध, चंद्रकेतुपुरम, रेवत, रवन, कुमुद, रेवतक, रेवताचल, उज्जैन आदि नामों से पुकारा गया है। संत, सुरवीर और भक्तों की हजारों कहानियां कहती हुई सौराष्ट्र की पवित्र भूमि, जिसे इतिहास सोरठ धरा के नाम से जानता है, समंदर के साथ 3 दिशाओं से जुड़ी है। यह पावन भूमि जिसकी रक्षा कर रहे हैं स्वयं भगवान सोमनाथ और द्वारिकाधीश। सोरठ के मध्यस्थल आसमान को छूता हुआ खड़ा है पुराण प्रसिद्ध पर्वत गिरिराज गिरनार। वादड़ थी वा तू करे आ गढ़ जुनो गिरनार, सावजिड़ा सैन जन पीवे एना नमणा नर ने नार। पुरातन काल से संत, फकीर और महात्माओं ने गिरनार को अपनी साधना भूमि माना है। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय देव भूमि है और गिरनार गुरु भूमि है। जोगी गिरनार की गोद में बसा है ऐतिहासिक नगर जूनागढ़। स्कंद पुराण के प्रभास खंड नामक खंड में गिरनार महात्म्य दिया गया है। यूनान और मिस्र की संस्कृति से भी पुराना नगर है यह जूनागढ़। गिरनार की जन्म कथा इतनी पुरानी है कि सब इसे जोगी के नाम से जानते हैं। इस जोगी गिरनार की छत्रछाया में हजारों संत, सिद्ध और महात्माओं ने अपनी धुरी रचाई है, और इसीलिए तो त्रिकम साहब जैसे संत ने गिरनार पर्वत पर अपनी प्रसिद्ध रचना बनाई है। आतो गठजुनो गठजुनो गिरनार, ने वादल थी वातू करे पण हावजड़ा हेंजल पीवे जरे ए ये नमणा नर ने ना श्री गिरनार क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पश्चिम भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। सौराष्ट्र के प्रमुख शहर राजकोट से 102 किलोमीटर रास्ता काटने पर जूनागढ़ शहर पहुंच सकते हैं। सोरठ देश सोहामणो चंगा नर ने नार, स्वर्ग थी उतरिया मानवी देव देवी अनुसार। जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर पर आई हुई भवनाथ तलहटी, तलहटी में आया हुआ पुराण प्रसिद्ध भवनाथ महादेव का यह मंदिर। इस गिरनार परिसर में महाशिवरात्रि के इस पावन मेले में देश परदेश से लाखों लोग भक्तजन पधारते हैं और यहाँ काफी दिनों तक भजन, भोजन और भक्ति की धूमधाम के साथ हर हर महादेव और जय गिरनारी के नाद के साथ गिर की पर्वत शिलाएं नाच उठती हैं। स्कंद पुराण में भी
यह उल्लेख हुआ है कि भगवान शिव स्वयंभू भवनाथ में प्रकट हुए हैं, इसीलिए तो वाराणसी, कुरुक्षेत्र और नर्मदा के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वही पुण्यफल शिवरात्रि के पवित्र उत्सव भवनाथ महादेव के दर्शन मात्र से प्राप्त होते हैं। हर वर्ष पर्वताधिराज गिरनार की पावन गोद में भवनाथ का यह मिनी कुंभ के समान मेला महावद नोम से महाशिवरात्रि ऐसे 5 दिन का होता है, जिसमें महाशिवरात्रि की आधी रात में निराकार गिने जाने वाले शिवजी भी साकार रूप लेकर पुण्यात्मा के साथ मिलन के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं। और इसी तरह भवनाथ का यह मेला जीव और शिव के मिलन को प्रतीक समान गिना गया है। महावद नोम के दिन भगवान भवनाथ महादेव के मंदिर पर 52 गज की ध्वजा के आरोहण के साथ ही मेले की शुरुआत होती है और तभी से 5 दिन तक भजन, भोजन और भक्ति का त्रिवेणी रंग जमता है। महाशिवरात्रि की आधी रात को विविध अखाड़े के साधु, संत, महंत दिगंबर अवस्था में सरगस में जुड़ जाते हैं और आधी रात में भवनाथ महादेव की आरती पूर्ण कर भवनाथ मंदिर में स्थित मृगी कुंड में स्नान कर मेले की समाप्ति करते हैं। दिगंबर महात्माओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार स्वरूप ऐसे श्री भगवान दत्तात्रेय इस शाही स्नान में शामिल होते हैं, ऐसी पुराणों में कहा गया है। इसलिए महाशिवरात्रि का यह भव्य त्योहार और महास्नान का खूब महत्व है। भवनाथ मंदिर के परिसर में आया मृगी कुंड शिवरात्रि की आधी रात में अमृत स्नान का पुराणों में विशेष महत्व दिखाया गया है। मृगी कुंड के बारे में ऐसी कथा है कि उज्जैन के राजा भोज की एक रानी मृगमुखी थी। राजा भोज रानी के साथ गिरनार क्षेत्र की यात्रा पर आए थे और इस क्षेत्र की यात्रा के अंतर्गत उनके 7 जन्मों के पापों का नाश हुआ था और उनकी रानी मृगमुखी अति सुंदर बन गई। इसी कारण राजा भोज द्वारा इस जगह पर सरोवर का निर्माण करवाया और रानी जी के नाम पर से इस सरोवर का नाम मृगी कुंड रखा गया। इस तरह शिवरात्रि की महानता के लिए भी एक शिकारी की कथा प्रचलित है। एक शिकारी पेड़ पर चढ़कर शिकार की तलाश कर रहा था। शिकार न मिलने के कारण चिंता ही चिंता में पूरी रात पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। वहीं नीचे एक शिवलिंग रहा था। अनजाने में सहज से उसने शिवलिंग का पूजन किया, जिससे फलस्वरूप शिवजी प्रसन्न हुए और शिकारी का कल्याण हो गया। यह कथा भी खूब प्रचलित है। शिवरात्रि के अति भव्य मेले में अनगिनत साधु, संत, महंत और भक्तजन आते हैं। सरकार, अलग अलग संस्थाएं और आश्रमों द्वारा उनकी व्यवस्था, सेवा, भंडारों की व्यवस्था होती रहती है। श्री गिरनार साधना आश्रम भवनाथ तलहटी जूनागढ़ तथा श्री त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट ऋषिकेश के अधिष्ठाता महर्षि श्री परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज तथा सहज योगिनी मैया शैलजा देवी जी द्वारा इस शिवरात्रि के पावन पर्व के दौरान आने वाले साधु, संतों, महंतों, भक्तों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप, भंडारा और धुन और ध्यान का सुंदर आयोजन किया जाता है। तो आओ हम भी उनकी एक झलक देखें। श्री गिरनार साधना आश्रम भवनाथ तट में बराबर भवनाथ महादेव के मंदिर के पीछे 1.5 से 2 माइल की दूरी पर आया हुआ है। इस आश्रम के अधिपति
श्री परम पूज्य महर्षि श्री पुनीताचार्य जी महाराज, उसी तरह सहज योगिनी मैया श्री शैलजा देवी जी द्वारा शिवरात्रि के इस पवित्र मेले के दौरान निःशुल्क मेडिकल कैंप का सुंदर आयोजन किया गया था। यहाँ कोई खाली मेडिकल कैंप नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया था जो आप प्रत्येक देख सकते हो। इस छोटे से अस्पताल में सामान्य दवाइयाँ, तत्काल सेवा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ऑर्थोपेडिक तथा आँखों की दवाइयाँ जैसे अनेक क्षेत्र खुले थे। बड़े डॉक्टरों द्वारा इलाज और साथ में निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही थी, जिसके लिए फार्मासिस्ट और अनुभवी स्टाफ रखा गया था। तो चलो हम भी मिनी अस्पताल की मुलाकात लेते हैं। रिसेप्शन में अनुभवी स्टाफ द्वारा केस पेपर बनाकर बीमार व्यक्ति को योग्य मार्गदर्शन दिया जा रहा था। सामान्य दवाइयाँ, बड़े डॉक्टरों द्वारा मरीज का इलाज और उचित दवा दृश्यमान हो रही है। डॉक्टर बिपिन भाई चौथाणी, इमरजेंसी तत्काल सेवा, डॉक्टर खान द्वारा तत्काल सेवा दी जा रही थी। अहमदाबाद के नामांकित डॉक्टर डॉक्टर जयेश भाई पावरा द्वारा दी जाने वाली स्पेशल ट्रीटमेंट, सूरत से खास सेवा देने वाले डॉक्टर पटेल जिन्होंने होम्योपैथी द्वारा कई मरीजों को ठीक कर दिया था, महसाणा से आए डॉक्टर श्रीमाली, फार्मासिस्ट प्रीति बहन चौथाणी द्वारा किया गया उचित दवाओं का विवरण, डॉक्टर बिपिन भाई चौथाणी और डॉक्टर हीना गनात्रा। आई केयर विभाग डॉक्टर उमा पांडे, डॉक्टर उमा पांडे एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, अभी अभी जो संतराम अस्पताल नडियाद में सेवा दे रही है। डॉक्टर उमा पांडे द्वारा प्रतिदिन अनगिनत साधु संतों महंतों तथा भक्तों की आँख के नंबर चेक करना, उचित मार्गदर्शन देना, आँखों की सावधानी, टीपा और निःशुल्क ऐनक की भेंट तो निश्चिंत। आप देख सकते हो विभिन्न संस्था तथा आश्रमों के अधिपति, महंत, गादीपति तथा संत लोग इस आँख के विभाग का लाभ ले रहे हैं। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के महंत श्री गोपालानंद जी महाराज, उनकी आँखों का चेकअप डॉक्टर उमा पांडे से करवा रहे हैं। श्री भारती आश्रम जूनागढ़ के श्री महामंडलेश्वर विश्वंभर भारती बापू श्री डॉक्टर उमा पांडे के पास चेकअप करवाते दिख रहे हैं। डॉक्टर उमा जी द्वारा अन्य संतों महंतों की आंखों का चेकअप। हम आपको लेने वहां गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी का आदेश हुआ फिर मैं विचार नहीं किया। यदि मैं निकलता नहीं हूँ, कहीं जाता आता नहीं, मेरा नियम कहीं जाने आने का नहीं है। आपने बड़ा पावन किया इस जूनागढ़ म्युनिसिपल कमिश्नर श्री वोरा साहब उनकी आंखों का इलाज करते दिखाई दे रहे हैं। जूनागढ़ समाचार अधिकारी श्री अश्विन भाई पटेल, महंत श्री दौलतगिरी जी महाराज, परम पूज्य मैया शैलजा देवी द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए संतों सन्यासी तथा महंतों का स्वागत किया गया। अस्पताल की यह सेवा की अभियान का संचालन मैया द्वारा हो रहा था, जिसमें साधु संतों, सरकारी अफसर,
भक्तों ने भी पूरा लाभ लिया था। गुजरात पुलिस के अफसर जब अस्पताल में इलाज के लिए आए तब संदेश टीवी चैनल द्वारा उनका इंटरव्यू लिया। उसी तरह गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी भी अस्पताल में इलाज के लिए आए। पूज्य महेश्वरी माताजी द्वारा डॉक्टर उमा पांडे को आशीर्वाद, पूज्य मैया द्वारा महेश्वरी माताजी का स्वागत अभिवादन, परम पूज्य महर्षि श्री पुनीताचार्य जी महाराज मेडिकल कैंप की मुलाकात लेते दिखाई दे रहे हैं, कमिश्नर श्री वोरा साहब पूज्य बापू श्री के आशीर्वाद ले रहे थे। आप देख सकते हो रिसेप्शन पर मरीजों की लाइनें लगी हुई है। श्री गिरनार साधना आश्रम तथा श्री त्रिमूर्ति श्री गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट द्वारा शिवरात्रि के मेले के दौरान चल रहा मुफ्त मेडिकल कैंप का दृश्य आप दूर से देख सकते हो। महावद नोम के दिन से शुरू करके शिवरात्रि तक चलते इस मेले में श्री गिरनार साधना आश्रम तथा श्री त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट द्वारा आधिपति परम पूज्य महर्षि पुनीताचार्य जी महाराज तथा सहजयोगिनी मैया शैलजा देवी द्वारा साधु संतों महंतों सन्यासी तथा भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया था। भवनाथ तट में भवनाथ महादेव के मंदिर के पास जहां एक तरफ श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा है और दूसरी तरफ प्रसिद्ध भारती आश्रम आया हुआ है, वहां अति आधुनिक तंबू में शुद्ध सात्विक और स्वादिष्ट नाश्ता और भोजन आइसक्रीम तथा नारियल पानी का आयोजन किया गया था। परम पूज्य मैया श्री की निगरानी पर उच्च रसोई द्वारा अनेकविध व्यंजन बनाए गए थे। पूज्य मैया श्री के शब्दों में जैसे 56 भोग भगवान को पिरसते हैं वैसे अतिथि साधु संत महंत सन्यासियों को भी प्रिय भोजन खिलाना चाहिए, इसलिए मैया प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन तथा मिठाई और चटाकेदार स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती थी, जैसे कि खमन ढोकला, सैंडविच ढोकला, दही वड़ा, आलू टिक्की, छोले भटूरे, कचौड़ी, पानी पूरी, गाजर का हलवा इत्यादि। इसके उपरांत नाश्ता करने के बाद आइसक्रीम और नारियल पानी तो था ही। गौरवंती गिरनार की गोद में भगवान शंकर भवनाथ महादेव की निगरानी में दूर दूर से दिखाई देने वाली सुंदर नक्शीकाम फूलों से सजावट किया हुआ दरवाजे में अति आधुनिक साधनों से इस भंडारे का दृश्य नयन रम्य लगता है। इस भंडारे की व्यवस्था, मार्गदर्शन और आयोजन के लिए अफ्रीका से पधारे श्री रश्मि भाई रायचूरा ने अथाग मेहनत और परिश्रम किया था। पूज्य मैया श्री की निगरानी में काम कर रहे स्वयंसेवक में गोंडल से आनंद भाई, भावनगर से हिमांशु भाई, मेहसाणा से निकुल भाई, जूनागढ़ से संदीप भाई, अहमदाबाद से जिगर भाई, हिरेन भाई, पालघर से संजय भाई तथा सिकंदर राजकोट से सुधीर भाई, जामनगर से कल्पेश, अमित, देवांग भाई, बॉम्बे से डॉक्टर संजय भाई गिंडे, सिंगापुर से अमित भाई और मनु भाई जो गोंडल से पधारे थे, बहुत मेहनत की थी। भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न अखाड़े के अलग अलग पंथ, विविध वेशभूषा, विविध भाषा तथा प्रांत से पधारे साधु समुदाय, सन्यासी, सन्यासिनी तथा बाल सन्यासी इत्यादि इस भंडारे में पधारकर विविध व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे, जो स्पष्ट दिख रहा था। पधारे हुए अतिथि को आरामदायक बैठक व्यवस्था भी पूरी की गई थी। व्यवस्थापकों द्वारा नाश्ता और उसके बाद नारियल पानी और आइसक्रीम भी खिला रहे थे। आप देख सकते हो अत्यंत शुद्ध
गर्मा गर्म नाश्ते की व्यवस्था, इस नाश्ते के काउंटर की निरीक्षण और नाश्ता ग्रहण करते हुए महामंडलेश्वर श्री विश्वंभर भारती बापू श्री ध्यान मंडप में पधारे हुए साधु समुदाय को संबोधित करते पूज्य मैया श्री, साथ में परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज स्वादिष्ट भोजन तथा आइसक्रीम का स्वाद ले रहे हैं, सन्यासी साधु समुदाय साधु संप्रदाय, पूज्य मैया श्री अपने कर कमलों से नाश्ता कराते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। श्री प्रवीण भाई त्रिवेदी अपनी लाक्षणिक मुद्रा में सत्संग करते हुए गर्मागर्म खमन ढोकला के साथ गर्मागर्म चाय कॉफी ठंडी की सुबह में मिल जाए तो दिन कितना सुंदर हो जाए। प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम पूज्य मैया श्री अपने कर कमलों से भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज को भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत करते थे। पूज्य मैया श्री तथा श्री रश्मीन भाई रायचूरा गर्मागर्म गाजर का हलवा खिलाते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। दिल्ली से बुलाए गए निष्णांत कैटरर्स द्वारा बनाई गई व्यंजने स्वादिष्ट है कि नहीं उसकी जांच करते श्री रश्मीन भाई दृश्यमान हो रहे हैं। आइए महाराज, गर्मागर्म हलवे का प्रसाद पाइए महाराज, जैसे सुंदर शैली में आमंत्रण दे रहे श्री हिरेन भाई की आवाज पूरा दिन माइक में से गूंज रही थी। पधारिए महाराज जी, आइए। श्री गिरनार की गोद में गिरनारी मसाले वाली चाय का स्वाद भी आह्लादक होती है। गर्मागर्म चाय पीने के बाद कुंडलिनी जागृत अवस्था में आ गई हो ऐसा एहसास होता है। लंदन से पधारी हुई बीना बहन और हंसा बहन भवनाथ महादेव के सानिध्य में मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित श्री गिरनार साधना आश्रम तथा श्री त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क नारियल पानी का आयोजन किया गया था। पूज्य मैया श्री की निगरानी में मेले में आए हुए हजारों साधु सन्यासियों तथा श्रद्धालुओं को निःशुल्क नारियल पानी का लाभ लिया था। आप देख सकते हो नारियल और उसका मीठा पानी पीकर लोगों की प्यास पूर्ण करने का कार्य, जिसके लिए पालघर मुंबई से खास टीम आई हुई थी, जिसमें सिकंदर भाई तथा संजय भाई ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया था। बाल योगी हो या पंडित, सन्यासी हो या साधु, गिरनारी हो या हिमालय का, अरे हिंदुस्तानी हो या विदेशी, सब लोगों ने अमृत समान नारियल पानी का मजा लिया। जामनगर के स्वयंसेवक मनुभाई तथा श्री अशोक भाई वितरण व्यवस्था में, डॉक्टर जयेश भाई पावरा पूज्य मैया श्री के साथ नारियल पानी की वितरण व्यवस्था की चर्चा करते दृश्यमान हो रहे हैं। दिगंबर साधु महाराज का अभिवादन करते हुए श्री मैया श्री, अन्य सन्यासिनी के साथ पूज्य मैया श्री, श्री गिरनार साधना आश्रम जूनागढ़ के अधिष्ठाता परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज तथा पूज्य मैया शैलजा देवी बरसों से सहज ध्यान योग द्वारा विश्व कल्याणकारी मंत्र हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त द्वारा लोगों को सहज ध्यान की अनुभूति कराते हैं। आश्रम में आने वाले असंख्य लोगों ने इसके अलावा देश प्रदेश में रहते अगणित साधकों ने उनका लाभ लिया है और ले रहे हैं। शिवरात्रि के इस पावन मेले में आने वाले उत्सुक साधु को मार्गदर्शन सत्संग तथा ध्यान का अनुभव पूज्य मैया श्री तथा पूज्य बापू श्री के सानिध्य में सुबह शाम को कराया जाता था। आप देख सकते हो सुबह शाम
हर दिन हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र की धुन और मंत्र शक्ति द्वारा ध्यान का अनुभव जो सहज सिद्ध योग सहज ध्यान योग कहलाता है। ध्यान का लाभ लेने के लिए साधकों में स्त्री पुरुष तथा सन्यासी भी आते थे। विदेश से आए हुए नागरिक भी उसका लाभ लेने का भूलते नहीं थे। ध्यान के लिए मंत्र धुन सुमधुर राग में गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली भावनगर की सुगम संगीत की गायिका साधक स्वाति बहन पाठक, जिनको साथ दे रहे हैं श्री हिरेन भाई तथा ढोलक पर श्री मुन्ना भाई दृश्यमान हो रहे हैं। ध्यान के बाद श्री गुरुदत्तात्रेय भगवान की आरती और बाद में महाप्रसाद। दत्त भगवान की इस आरती के समय एक आह्लादक वातावरण खड़ा होते दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उमा पांडे सुबह शाम नियमित इस आरती में आ जाते और आरती करते थे। दिनांक 24 फरवरी 2014 के दिन शिवरात्रि के मेले का प्रथम दिन। इस दिन भगवान भवनाथ महादेव के मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण होता है। आप देख सकते हो जूना अखाड़े की जगह में ध्वजा दंड पूजन करते हुए परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज, पूज्य मैया शैलजा देवी, महामंडलेश्वर पूज्य भारती बापू श्री, साधु संप्रदाय संतों महंतों तथा भक्त के साथ पंडितों द्वारा शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजन विधि। पूजा विधि के बाद भवनाथ महादेव के मंदिर में दर्शन कर संत समुदाय के साथ प्राथमिक चर्चा करते पश्चात समग्र संप्रदाय गिरनार साधना आश्रम द्वारा आयोजित भंडारा तथा फ्री मेडिकल कैंप के शुभ मुहूर्त के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के पूज्य गोपालानंद जी महाराज भी साथ थे। बैंड बाजों के साथ सब लोग मेडिकल कैंप के मुहूर्त में पहुंचे। जूनागढ़ पुलिस डिपार्टमेंट की सुंदर व्यवस्था के साथ मेडिकल कैंप का उद्घाटन पूज्य गोपालानंद जी महाराज, पूज्य भारती बापू तथा पूज्य पुनीताचारी जी महाराज के कर कमलों से किया गया था। पूज्य मैया शैलजा देवी, पूज्य दौलतगिरी जी महाराज, डॉक्टर उमा पांडे और साथ में रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीएसएफसी श्री प्रवीण भाई त्रिवेदी दृश्यमान हो रहे हैं। इस मंगल मुहूर्त उद्घाटन समारोह के कवरेज के लिए पत्रकार माहिती अधिकारी श्री, समाचार चैनल तथा मीडिया कर्मी भी दृश्यमान हो रहे हैं। उद्घाटन के बाद परम पूज्य बापू श्री तथा मैया श्री मेडिकल कैंप यानी कि मिनी अस्पताल की मुलाकात, साथ ही साथ पूज्य गोपालानंद जी महाराज तथा पूज्य भारती बापू के हेल्थ चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। डॉक्टर उमा पांडे द्वारा पूज्य भारती बापू का बीपी चेक किया गया। उसके बाद डॉक्टर उमा जी द्वारा पूज्य गोपालानंद जी महाराज तथा पूज्य भारती बापू की आंखों का चेकअप कर चश्मे का नंबर निकाला गया।
बहुत ही धीरजता और नजदीकता नंबर चेक कर रहे डॉक्टर उमा पांडे, अन्य संतों की भी आंखों के नंबर चेक कर चश्मे अर्पण किए थे। अस्पताल के पास ही में बनाया गया अत्यंत सुंदर ध्यान हॉल। इस ध्यान हॉल में सभी संत महंत पधारे थे, जहां भगवान गुरु दत्तात्रेय की सुंदर फोटो के सामने पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज, पूज्य भारती बापू, मैया शैलजा देवी, डॉक्टर उमा पांडे तथा दौलत गिरी जी महाराज द्वारा दीप प्रागट्य किया गया और भगवान को विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। उसके बाद भंडारा चालू किया गया। उपस्थित संत समूह का पूज्य बापू श्री तथा मैया श्री द्वारा स्वागत फुलहार किया गया। उपस्थित संत समूह का भी तिलक फुलहार तथा दक्षिणा देकर स्वागत किया गया। आप देख सकते हो पूज्य पुनीत बापू और पूज्य भारती बापू दोनों के बीच का अनन्य प्रेम और आदर भाव। पधारे हुए संत समुदाय तथा साधु समुदाय ने नाश्ता और आइसक्रीम का स्वाद चखा। आमंत्रित मेहमान तथा संतगण श्री दौलत गिरी जी महाराज पूज्य मैया श्री के साथ नारियल पानी का स्वाद ले रहे हैं। पूज्य बापू श्री के साथ चर्चा कर रहे श्री प्रवीण भाई त्रिवेदी तथा दिलीप सिंह जी, आश्रम के साथ संकलित बैंगलोर के श्री इंदु भाई गांधी तथा रिटायर्ड क्लास वन अधिकारी श्री वागड़िया साहब खुशहाल दृश्यमान हो रहे हैं। लेडी ऑफिसर जूनागढ़ पुलिस डिपार्टमेंट डॉक्टर उमा पांडे के साथ पीजीवेल के अधिकारियों के साथ आश्रम के ट्रस्टी श्री दिलीप सिंह जी, जूनागढ़ म्यूनिसिपल अधिकारी पूज्य मैया तथा दिलीप सिंह जी के साथ चर्चा करते हुए साथ में डॉक्टर उमा पांडे तथा श्री रश्मिन भाई, श्री हिरेन भाई द्वारा संतों का स्वागत। मेहमान कोई भी हो, नाश्ते का स्वाद लेना किसका मन न हो, श्री जिगर भाई श्री दौलत गिरी जी महाराज की सेवा में। पूज्य मैया संतों के साथ विचार विमर्श करते डॉक्टर जयेश भाई पावरा द्वारा सन्यासी की रिपोर्ट, श्री गिरनार साधना आश्रम के भूतपूर्व ट्रस्टी श्री मनसुख भाई जोशी तथा श्री ललित भाई कामानी पूज्य मैया श्री के साथ। पूज्य माहेश्वरी माताजी तथा श्रीमती टीनू बहन दारे सलाम, श्री कल्याण जी भाई पटेल राजकोट, जूनागढ़ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तथा जूनागढ़ कलेक्टर श्री आलोक पांडे जी कैंप तथा भंडारे की मुलाकात में, साथ में पूज्य मैया श्री तथा भूतपूर्व कलेक्टर कमिश्नर डायरेक्टर रह चुके श्री प्रवीण भाई त्रिवेदी जी, साथ ही डॉक्टर पावरा और डॉक्टर पांडे। पूज्य मैया श्री द्वारा कलेक्टर श्री तथा एसपी श्री को आशीर्वाद तथा प्रसाद, महशाणा के श्री राहुल भाई, पूज्य मैया श्री विदेश से आए साधकों को मार्गदर्शन तथा सत्संग करते, पूज्य बापू श्री, पूज्य मैया श्री तथा दिलीप सिंह जी श्री दौलत गिरी जी महाराज के साथ। संत सम्मेलन, संत मिलन, पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज, पूज्य भारती बापू, पूज्य गोपालानंद जी महाराज, गोविंदाचार्य जी महाराज, पूज्य मैया शैलजा देवी, प्रखर रामायणी कथाकार श्री मुरारी बापू, गादीपति संत महंत तथा सन्यासी दिखाई रहे हैं। यहां आश्रम में बरसों से साधना कर रहे पूज्य मंगलदास जी तथा पूज्य माहेश्वरी माता जी भंडारे तथा मेडिकल कैंप की मुलाकात पर, पूज्य मैया जी के साथ श्री रश्मिन भाई और टीना बहन, अहमदाबाद के उद्योगपति श्री राजू भाई अमीन, राजकोट के श्री सुधीर भाई
पूज्य मंगलदास जी को गाइड करते हुए। डॉक्टर जयेश पावरा एमडी फिजिशियन श्री इंदुभाई गांधी तथा श्री कल्याण जी भाई श्री ललित भाई अस्पताल की मुलाकात लेते हुए आश्रम द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप तथा भंडारा सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। पूज्य मैयाश्री के लिए सभी जन समुदाय एक जैसे ही है तो फिर राजनीति वाले नेता कैसे बाकी रह सकते हैं। जूनागढ़ शहर एवं जिले के नेता श्री महेंद्र भाई मसरू तथा श्री शरद भाई परिवार के साथ शामिल हुए। श्री अभिजीत डॉक्टर पांडे से विचार विमर्श करते दिखाई दे रहे हैं। सब लोगों ने एक ही परिवार की तरह एक साथ बैठकर नाश्ता किया। पूज्य मैया द्वारा संत श्री का अनन्य स्वागत। कमिश्नर श्री वोरा साहब उनके परिवार के साथ कैंप तथा भंडारे की मुलाकात पर डॉक्टर संजय भाई गिंडे मैयाश्री के आशीर्वाद पाते हुए। पूज्य बापू श्री मेडिकल कैंप की मुलाकात पर कमिश्नर के साथ। परम पूज्य मैया शैलजा देवी उनके काम में थोड़ी सी भी ढील नहीं रखते। सभी गुणों से संपन्न बावर्ची द्वारा बनाई गई सब तरह के व्यंजन मैया खुद चक्कर स्वाद अनुसार बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। डॉक्टर उमा पांडे MS ऑप्थोल्मोजी बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में पली कॉन्वेंट शिक्षण पाकर बचपन से ही सेवा करने की इच्छा रखने वाली उमा जी ने आंख के विभाग में मास्टर डिग्री लेकर गोल्ड मेडल पाया है। राजकोट के रणछोड़ दास जी अस्पताल में आंख के विभाग में सेवा कार्य किया। इसके अलावा अनगिनत फ्री मेडिकल कैंप में सेवा दी। हाल ही में अभी नड़ियाद में संतराम अस्पताल में सेवा कार्य कर रही है। आप लोगों को बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर उमा पांडे ऋषि परंपरा से जुड़े ऋषि दंपति परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज तथा मैया शैलजा देवी की सुपुत्री है। डॉक्टर उमा पांडे मल्टी टैलेंटेड है। वो सिर्फ अपने व्यवसाय के अलावा संगीत में भी इतनी ही रुचि रखती है। इसके अलावा कंप्यूटर खेलकूद में भी निपुण है। पूरा दिन मरीज के रिपोर्ट और देखभाल के साथ साथ जब भी समय बचता तो अपनी खाना बनाने की निपुणता की भी झलक दिखाई देती है। श्री जिगर भाई के साथ गोल गप्पे बनाकर लोगों को खिलाते दिखाई दे रही है। अपने अपने क्षेत्र में निपुण डॉक्टर जयेश पावरा डॉक्टर उमा पांडे शिवरात्रि की मध्य रात्रि को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर रही डॉक्टर उमा जी अपने कार्य से संतोषी डॉक्टर उमा पांडे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बहन पटेल के साथ। हम सबको जिस बात का गर्व है ऐसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री तथा अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डॉक्टर उमा पांडे। शिवरात्रि की आधी रात में सभी साधु समूह अपनी रवाड़ी के साथ सरगस में जुड़ते हैं। यह सरगस घूमते घूमते भवनाथ महादेव के मंदिर के पास पहुंचता है। वहां आया हुआ पवित्र मृगी कुंड में सभी साधु संत दिगंबर महात्मा डुबकी लगाते हैं और बाद में वापस अपने अपने स्थान की तरफ निकल जाते हैं। कहते हैं कि इस मृगी कुंड में प्रथम स्नान भगवान गुरु दत्तात्रेय करते हैं। तत्पश्चात सभी संत समुदाय उसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस सरगस में दिगंबर साधु द्वारा अंग कसरत के दाव पेच दिखाए जाते हैं। आओ हम देखें इसकी एक झलक। पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ सरगस की सवारी
जिसको देखने के लिए लाखों लोग सुबह से ही अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। हर हर महादेव के नाद के साथ विविध संप्रदाय के लोग आप देख सकते हो। परम पूज्य मैया शैलजा देवी भी मृगी कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हुए। सालों से चला आ रहा यह भवनाथ का मेला, जिसमें 2014 के वर्ष की शिवरात्रि के मेले में न्यूज चैनल तथा पत्रकारों के लिए मुख्य विषय श्री गिरनार साधना आश्रम द्वारा चल रहा श्री फ्री मेडिकल कैंप तथा भंडारा ही था। अलग अलग न्यूज़पेपर के पत्रकार, अलग अलग चैनल के न्यूज रिपोर्टर द्वारा इस कैंप तथा भंडारे का कवरेज हो रहा था। उसकी एक झलक सोहम चैनल द्वारा पूज्य बापू श्री तथा पूज्य मैया श्री का इंटरव्यू। एनी इमरजेंसी ट्रीटमेंट, किसी को भी अटैक आया तो बेसिक ट्रीटमेंट दे करके उसका अलाइनमेंट सीटी से करते हैं। वैसे हमने ये इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर तक एक मेडिसिन भी नहीं है अवेलेबल है, भवनाथ से लेकर के सिटी तक। और ये आगे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमें अगर गवर्नमेंट का साथ मिला तो हम भवनाथ में इसको, हमारा स्थान है लेकिन इट इज लिटिल बिट इंटीरियर, तो वी आर ट्राइंग दैट भवनाथ प्रॉपर में ये फैसिलिटीज। वैसे 6 to 8 मंथ से ये चल रहा है। ओके, तो आचार्य जी कृपया आप ये बताएं कि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनके क्या आवर्स रहते हैं और क्या क्या शिक्षा देते हैं कि कैसे जीना, कैसे रहना, समाज की सेवा कैसे करना, बाबा कैसे। पत्रकार तथा न्यूज रिपोर्टरों ने भी चखा सुंदर और स्वच्छ नाश्ते का स्वाद। ई टीवी गुजराती, सोहम टीवी, निर्माण टीवी द्वारा पूज्य मैया श्री का इंटरव्यू, डॉक्टर उमा पांडे का इंटरव्यू, रोज बरोज आ रहे पेपर में आ रहे समाचार। भवनाथ तड़ेटी विस्तार में आज थी शुरू થયેલા શિવરાત્રિ મેળા દરમિયાન નિશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ગિરનાર સાધના આશ્રમ અને ત્રિમૂર્તિ ગુરુદત્ત સેવા ટ્રસ્ટ ઋષિકેશ દ્વારા શિવરાત્રિ મેળાને અનુલક્ષીને અગ્નિ અખાડા પાસે નિશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ તેમજ સાધુ સંતો માટે અલ્પાહાર, નારિયેળ પાણીની વ્યવસ્થા તેમજ આંખોની સારવાર અને નજીકના નંબરના ચશ્માનું નિશુલ્ક વિતરણ તથા હોમિયોપેથી નિષ્ણાત તબીબો દ્વારા ચેકઅપ અને દવાનું નિશુલ્ક વિતરણ માટેના કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। તારીખ 27 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આ કાર્યક્રમ યોજાશે। આ કેમ્પનો લાભ લેવા સહજ સિદ્ધ યોગીની માતાજી શૈલજા દેવી અને પૂજ્ય પુનિતાચાર્ય મહારાજ તથા ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા લોકોને અનુરોધ કરાયો છે। 8 મહિને સે હમને યે મેડિકલ શરૂ કિયા હૈ ક્યુંકિ ભવનાથ ક્ષેત્ર મે 10 કિલોમીટર તક સિટી તક કોઈ એક સેમ્પલ પેરાસેટામોલ ભી મિલતી નહીં હૈ, તો ગિરનાર સાધના આશ્રમ ટ્રસ્ટ ઓર ત્રિમૂર્તિ ટ્રસ્ટ કો યે મુજે સ્વયં કો ભી યે પ્રેરણા હુઈ કિ કોઈ એસી મેડિકલ ફેસિલિટી યહાં બહુત આવશ્યક હૈ, ક્યુંકિ 40 સે 50 બસે 8 મહિને યહાં યાત્રુઓ કી હોતી હૈ, સંત મંડળ ભી હૈ, તો એક આવશ્યક રિક્વાયર્ડ ફેસિલિટી એન્ડ સર્વિસીસ ટુ હ્યુમેનિટી, ધેટ્સ વાય વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ મેડિકલ ફેસિલિટી ઇન ભવનાથ એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઇંગ સિન્સ 8 મંથ્સ। સમાચાર, મીડિયા, પત્રકાર વગેરે કો યોગ્ય સમાચાર દેના તથા લેના ઉસકે લિયે પૂછપરછ વિભાગ રખા ગયા થા, જિસમે જામનગર કે શ્રી મુન્નાભાઈ तथा भावनगर के श्री हिरेन भाई ने सेवा दी थी। पूज्य मैया श्री के सूचन अनुसार एवं मेहनत तथा परम पूज्य बापू श्री के आशीर्वाद से 5 दिन के इस कार्य का शुरू से अंत तक विभिन्न गांव के स्वयं सेवकों ने तन मन धन से इस काम में भाग लिया था। आओ हम भी इन सब को पहचाने। महीज के श्री रौनक, अहमदाबाद के श्री जिगर भाई, सिंगापुर के श्री अमित भाई, श्री किशोर भाई, ललित भाई,
पालघर के श्री जिग्नेश भाई, यतीन भाई, गोंडल के श्री मनुदास तथा उनके पुत्र श्री आनंद भाई, जूनागढ़ आश्रम के श्री हीरा भाई, श्री संदीप भाई, पूना भाई और विशाल भाई, पालघर के श्री संजय भाई, अफ्रीका से पधारे हुए श्री रश्मिन भाई उर्फ हमारे सबके मामा, बॉम्बे के डॉक्टर संजय भाई गिंडे, ट्रस्टी श्री दिलीप सिंह जी, भावनगर के श्री सोमदत्त, जामनगर के श्री देवांग भाटा, श्री शैलेश भाई भट्ट, श्री मुकेश भाई भट्ट तथा श्री हिमांशु भाई भट्ट भावनगर के, श्री राजू भाई अमीन अहमदाबाद, श्री मुकेश भाई मांडलिया जामनगर, भावनगर के लाडले श्री किरीट काका तथा उनके सुपुत्र कल्पेश, हेमांग, अमित, रविंद्र तथा जयेंद्र जामनगर के, भावनगर के श्री हिरेन भाई तथा जामनगर के श्री मुन्ना भाई, इसके अलावा महिला स्वयं सेवक द्वारा भी खूब निष्ठा से काम किए गए थे, जिसमें जामनगर की जया बहन आश्रम में रहकर सेवा कार्य कर रही है, भानु बहन भावनगर के, दक्षा बहन, रेणु बहन, नीता बहन, अनिला बहन, मीतल बहन तथा मीठा कंठ धारण की हुई स्वाति बहन, गांधीधाम की नेहा बहन नील दत्ता, टीनू बहन अफ्रीका से, लंदन से आई वीना बहन और हंसा बहन, जामनगर के श्रीमती मधु बहन, महसाना के मधु बहन, पोरबंदर की वंदना बहन, जामनगर केंद्र के संचालक श्री दुर्लभ जी भाई वोरा, सह संचालक श्री व्यास भाई तथा भूतपूर्व संचालक श्री प्रोफेसर जे जी भट्ट साहब तथा महेश भाई भट्ट दृश्यमान हो रहे हैं। इसके अलावा राजकोट केंद्र से निरंतर समाचार मार्गदर्शन देने वाले श्री गजेंद्र भाई जानी तथा कमलेश भाई जानी की भी अथाग सेवा रही है। इसके अलावा नामी अनामी कई लोगों ने इस भगीरथ काम में साथ और सहकार दिया था। कोई भी काम करते हो उसमें अगर माँ की एक मीठी नजर अपने ऊपर पड़े या प्रेम से सर पर हाथ घुमा ले, मतलब दुनिया के सभी सुख मिल जाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त।